सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के एक और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर यानी प्रशासनिक विचारक के ऊपर। और ये है लोक प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक, F.W. टेलर। F.W. टेलर। और F.W. टेलर की एक खास बात मैं आपको बता दूं, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। तो दो चीज़ें हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट और सिस्टम इंजीनियरिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट और यानी वैज्ञानिक प्रबंध और व्यवस्था अभियांत्रिकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध और सिस्टम इंजीनियरिंग दोनों का फादर कहा जाता है यहाँ पर F.W. टेलर को। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में टेलर का जन्म हुआ और इसके बाद टेलर के कुछ प्रयोग थे। और टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैं आप लोगों के साथ इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध ही जो है मैन है यहाँ पर, जिसके बेसिस पर हम लोगों को पढ़ना है। और पूरी जो डिटेल है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की, उसे मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि टेलर के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टेलर के ऊपर ये क्वेश्चन एक प्रकार से आएगा और उम्मीद करता हूँ कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आप इसे समझ पाएंगे। और जो F.W. टेलर ने एक्चुअली कहा था वैज्ञानिक प्रबंध के रिलेटेड में, वो क्या थी, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आप सबको पता है कि जिस टाइम पर ये टेलर का टाइम था, उस टाइम पर 19वीं और 20वीं सदी में जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो टेलर ने जो है इसकी कुछ मान्यताएं थी वैज्ञानिक प्रबंध की, और इन्होंने क्या कहा था, टेलर की वास्तविक मान्यता ये थी कि प्रबंध के क्षेत्र में जो है, जब प्रबंध का कोई होता है वैज्ञानिक प्रबंध या कार्मिकों की दृष्टि से कोई मानसिक एक मेंटल रेवोल्यूशन भी इसको कहा गया था। तो मैं आपको बताऊं कि टेलर ने कहा था कि उद्योगों में जो है मालिकों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों में कोई मतभेद नहीं होते, बल्कि परस्पर इनके मतलब तीन, देखिए स्टेक होल्डर कौन होता है, तीन लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो मालिक यानी जो उद्योगपति होते हैं वो मालिक होते हैं, और उसमें उनकी कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, और तीसरा जो है उद्योगपति हो सॉरी उपभोक्ता होते हैं। तो वो कहते हैं कि सबके जो हित है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर के और एक प्रकार से ऐसे चीज़ों का उल्लेख करते हैं जिससे कि संगठन जो है बहुत मजबूत हो और आगे बढ़े। लेकिन अब सब अपने अपने हितों का ध्यान रखना चाहते हैं। मालिक अपना लाभ को अधिकतम करना चाहेगा, ये अपने एक प्रकार से श्रमिक जो है अपनी मजदूरी को। तो इस पूरी प्रक्रिया में किस प्रकार से टेलर ने कहा कि कैसे वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से कम खर्च पर मतलब न्यूनतम व्यय करके अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, ये उनका वैज्ञानिक प्रबंधन का एक आधार था। उसके लिए उन्होंने किन किन वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का प्रयोग किया, वही एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंधन है, टेलरवाद है। तो टेलर की दृष्टि में जो है ये एक बहुत मेंटल रिवोल्यूशन है, जहाँ दोनों पक्ष यानी उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप और श्रमिक दोनों जो हैं अपने अपने जो लाभ हैं उनको सुनिश्चित करने का प्रयास जो है करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं टेलर की। देखिए, एक तो जो टेलर का जो सिद्धांत है ना, इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं बहुत हैं, और टेलर की विशेषताओं के साथ साथ इसकी मान्यताओं को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि टेलर बाद में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो
तो कुछ चीज़ें निकल करके ज़रूर सामने आएंगी। देखिए विशेषताएं पहले हम लोग देख लेते हैं, फीचर्स यानी विशेषताएं। अब टेलरवाद की विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक तो क्या है, संगठन में प्रत्येक कार्य नियोजन नियोजित होना चाहिए, यानी प्लानिंग होनी चाहिए। पहला पॉइंट, नियोजित होना चाहिए, सारे कार्यों को नियोजित होना चाहिए, तो प्लानिंग होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स यूज हों, वैज्ञानिक विधियाँ। इसके साथ जो है ये जो दृष्टिकोण है ना, वो मानव के हितों के प्रति भी उदार है। ये मतलब मानव के हितों का भी ध्यान रखा जाए, हितों पर उदासीन, सॉरी उदासीन है, उदार नहीं उदासीन है ये। और इसके बाद जो है कौशलता का विकास हो, यानी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो कौशलता का विकास। यदि हम लोग और आगे बढ़े तो श्रम विभाजन होना चाहिए, लेबर डिवीजन। श्रम विभाजन मतलब जो जिसमें ज़्यादा प्रभावी है उसको वो काम दे दिया जाए। प्रेरणात्मक मजदूरी देना, प्रेरणात्मक मजदूरी, ये बहुत अच्छा शब्द है। प्रेरणात्मक मजदूरी का मतलब है कोई व्यक्ति जो बहुत अधिक कुशल है उसको कुछ अतिरिक्त मजदूरी दे दी जाए, तो प्रेरणात्मक मजदूरी, या जो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा मजदूरी उसको दे दो, तो ये प्रेरणात्मक मजदूरी होती है। सहकारिता पर आधारित है, यानी सब मिलकर कार्य करते हैं, श्रमिक और मालिक सब मिलकर के। इसके अतिरिक्त जो है अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों की बात की जाती है इसमें, तो ये इसकी विशेषताएं हैं, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चलती हैं ख़ास तौर पे इसके दौरान। लेकिन अब इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं। अब मान्यताएं क्या हैं, अब देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन में जो एक मेन चीज़ है उसको मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए एक तो इसका आधार क्या है वैज्ञानिक, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि टेलर बात थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, और मैं चाहूँगा कि इसमें से जो क्वेश्चन तो चूँकि आना ही आना है वैज्ञानिक प्रबंधन का, तो आप जो है अपने प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। बाकी वीडियोस को आप ज़रूर देख लेना यदि समय हो तो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप देखें देखें, लेकिन यदि इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन सी इट ऑल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या है, एक तो वैज्ञानिक आधार है, नियोजन है, सहकारिता है, मानसिक क्रांति है, तो सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। अच्छा ये विशेषताओं के बाद इसकी मान्यताएं, तो अजम्पशंस ऑफ द टेलरिज्म या टेलरवाद की मान्यताएं, अजम्पशंस यानी मान्यताएं। तो मान्यताएं कौन 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 सी हैं ये जब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो मान्यताएं या इसके सिद्धांत, मैं दोनों को एक साथ ही लेना चाहूंगा जिससे कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे। नंबर वन, एक तो कार्य के सही विज्ञान का विकास, पहला पॉइंट, कार्य के सही विज्ञान का विकास, और इसके साथ श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन, और इसके साथ कार्य के विज्ञान मतलब इसमें यहाँ पर प्रशिक्षित लोगों को एक साथ लाना, प्रशिक्षित लोगों को साथ लाना, प्रबंधक और श्रमिकों में कार्य विभाजन, यानी कार्य विभाजन, देखिए ये बहुत ज़रूरी है कार्य विभाजन होना, क्योंकि इसी के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और कार्यात्मक फोरमैनशिप, यानी बिल्कुल सारे सिस्टम होते हैं इसके अंतर्गत, कार्यात्मक फोरमैनशिप, और इसमें जो है अध्यक्ष भी होगा, लिपिक भी होगा, पर्यवेक्षक भी होगा, सारी चीज़ें होंगी इसमें। प्रबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं, मानसिक क्रांति, प्रबंधन के कुछ सिद्धांत, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग इसमें देखोगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए टेलर के हिसाब से, और टेलर ने इस हिसाब से इनको एक प्रकार से साझा किया है आप लोगों के साथ, तो इसको आप लोग देखें। अच्छा टेलर के कुछ जो एक्सपेरिमेंट हैं वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि टेलर ने कुछ प्रयोग जो किए थे उन्हें कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर में, कि टेलर के जो प्रयोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो वैज्ञानिक प्रबंध तो खैर है ही, उसके साथ टेलर के प्रयोग में एक तो मिडवेल का अनुभव है,
एक बैथलेहम का प्रयोग है और एक फावड़े का प्रयोग है। तो ये तीन प्रयोग आप अपनी बुक में से देख लेना और वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और अगले वीडियो में मैं मानव संबंध उपागम जो है एल्टर मेयो का, उसको बताऊंगा आप लोगों के साथ, और इसकी आलोचनाएं आप पढ़ लेना। और आलोचनाएं तो किताब में दे ही रखी हैं, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे होंगे, वन वीक पासबुक बुक जो भी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं इस पूरे पेपर को आप लोगों के साथ बहुत जल्दी साझा कर दूँगा।